औरंगाबाद के बेलारी तहसील के सभी डीलर संघ की बैठक कर उप जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन देते वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा बताया गया कि हमारे प्रदेश भर में सभी राशन विक्रेताओं द्वारा सही समय पर वितरण करना एवं सही मूल्य में देना और यूनिट पर 5 किलो राशन देकर वितरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सभी राशन विक्रेता ईमानदारी से काम करते हैं। इसको देखते हुए अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमें सरकार द्वारा परसेंटेज कम दी जाती है, जबकि अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले वितरण भी सही समय पर नहीं किया जाता। यही सब कुछ देखते हुए आज बिलारी तहसील के सभी राशन विक्रेताओं ने इकट्ठा होकर उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, नहीं तो इसका बहिष्कार करेंगे। अगर डीलर संघ को संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है तो सभी राशन विक्रेताओं के साथ बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अध्यक्ष जी, आज एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, क्या मामला है? हमारी बहुत लंबे समय से राशन डीलों के कमीशन को लेकर, मानदेय को लेकर मांग चली आ रही है, क्योंकि सबसे कम कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है और सबसे नंबर एक का वितरण उत्तर प्रदेश करके देता है। सरकार की हर नीति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम राशन डीलर करता है, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने राशन डीलरों को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का ऐलान किया है और वहां मानदेय मिल भी रहा है। जैसे दिल्ली सरकार है, वहां 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है, हरियाणा सरकार 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देती है। अनेक प्रदेशों में सबसे ज्यादा कमीशन है, सबसे कम कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय लेवल का, तो पूरे आह्वान के साथ में उन्होंने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हड़ताल करने का फैसला लिया है और 16 जनवरी को दिल्ली रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा धरना प्रदर्शन करने का काम राशन डीलर कोटेदार करेंगे हिंदुस्तान। जैसे क्या महत्वपूर्ण मांगे क्या है? जैसा महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि हम राशन डीलर को मानदेय दिया जाए,